देखिएगा, इससे पहले मैंने जो आपको जब डिस्कशन किया था तो बताया था कि पीरियोडिक टेबल को याद कैसे किया जाए। बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि हम पीरियोडिक टेबल को वर्टिकल फॉर्म में याद रख पाते हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में याद रख पाते हैं, लेकिन हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है कि एग्जैक्ट नंबर बोला जाए और हमें उससे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट याद आए। तो ये मेथड से आप वही चीज़ सीखने वाले हैं, छोटा सा ब्रीफ रिविज़न। ये मेथड इस बात पे बेस्ड है कि अगर आप किसी भी नंबर को पिक्चर में कन्वर्ट कर लेते हो तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, और ये प्रूफ भी है कि आप 3 घंटे जो मूवी देख के आते हो वो आपको ज़्यादा याद रहती है बनिस्बत 3 घंटे लेक्चर अटेंड करने के। उसका गाना, सॉन्ग, कौन सा एक्शन है, और एक आधा तो कोई हिट डायलॉग भी अगर मिल जाए तो आप उसी को गुनगुनाते रहते हैं, क्योंकि पिक्चर्स 10,000 times स्ट्रॉन्गर होते हैं वर्ड्स के कंपैरिजन में। लास्ट टाइम डिस्कशन हम कर चुके हैं। और इमेजेस में कन्वर्ट करना, तो मैं पहले भी नाम लिया था और आज फिर एक बार नाम ले रहा हूँ, विश्वरूप राय चौधरी, जिनका मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ, उनसे ये टेक्निक मैंने सीखी थी। उनकी 3 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने रीड की थी, उसमें से एक किताब का नाम है तेरा क्या होगा कालिया। किताब का नाम क्या है? तेरा क्या होगा कालिया। और वैसे ही नेमोनिक मेथड्स नाम का एक पेन डिस्कवर किया था उन्होंने, जिसको मैंने रेफर किया था, और उसी की मदद से ये सब कुछ बनाया गया है। उनका ऐसा मानना था कि दुनिया में जो भी चीज़ याद रखना है उसको आप इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओ, कन्वर्ट कर पाओ तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इसलिए उन्होंने नंबर्स को पिक्चर्स में कन्वर्ट करने की मेथड डिस्कवर की, जिसके हिसाब से उन्होंने बताया कि अगर आप इन नंबर्स को पिक्चर में कन्वर्ट करते समय किसी स्टैंडर्ड लॉजिक को फॉलो नहीं करेंगे, आप एक ही लॉजिक को फॉलो करेंगे, रिडिकुलस होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, होना इस तरह से चाहिए जिससे याद रह जाए, सिस्टम नहीं, याद रहना, ये हमारा पर्पस है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं जीरो, तो जीरो के लिए हम जानते हैं गोल गोल सन होता है, सन होता है तो हम ये जानते हैं कि इसका फर्स्ट लेटर कौन सा होता है, एस। तो जब भी हमें जीरो लिखना होगा तो हम क्या रेफर करेंगे? एस। जैसे देखिए, सिंगल टर्न टी, सिंगल टर्न डी, तो वन वन जब भी हमें यूज करेंगे तो वन मतलब वन टर्न, वन मतलब वन टर्न, और वन टर्न दैट इज सिंगल टर्न टी या सिंगल टर्न डी। तो या जब भी आपको वन यूज करना है तो आप टी यूज करेंगे या फिर आप डी यूज करेंगे। हम बात करेंगे टू की, अगर हमें टू यूज करना है तो हम क्या करेंगे? टू यूज करना है तो टू के लिए आप देखिए, इसको अगर आप ऐसा चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, इस तरह से टर्न, और इसका मिरर इमेज लिया आपने तो इसका मिरर इमेज इस तरह से ले सकते हैं, ये आ गया टू। थ्री, थ्री को आपने ऐसा टर्न किया तो देखिए थ्री किसके जैसा लग रहा है, एम। फोर, इंग्लिश लेटर में फोर, एफ ओ यू आर, एफ ओ यू आर, एफ ओ यू आर, लास्ट में कौन सा लेटर आ रहा है? आर। मराठी में क्या बोलते हैं इसे? चार। एफ ओ यू आर, फोर के लिए आप हमेशा, टू के लिए आप यूज करेंगे एन, थ्री के लिए यूज करेंगे आप एम, फोर के लिए यूज करेंगे आप क्या? आर। फाइव, फाइव, रोमन लेटर का 50, किसका 50? रोमन लेटर का 50, बताइए कितना होता है? एल। लीव जीरो, लीव जीरो, लीव जीरो दैट मीन्स जीरो हटा दीजिए, फाइव के लिए आप क्या यूज करेंगे? एल। फाइव के लिए आप यूज करेंगे एल। सिक्स, शेप बेस, सिक्स स्ट्रक्चर ऐसा है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं जी, और इसका मिरर इमेज ले लेता हूं तो जे, जी या जे, दोनों के लिए आप क्या यूज करने वाले? बोलो क्या यूज करने वाले हैं? सिक्स। सेवन, पढ़ाई आसान, सेवन के लिए देखिएगा ध्यान से, के, के को आप दो पार्ट में कट कर दीजिए, यहां से आपने इसे कट किया तो एक पार्ट ऐसा हो गया और एक पार्ट ऐसा हो गया। अब इस पार्ट का इस तरह से इमेज ले लीजिए, इसको ऐसा टर्न कर दीजिए, देखिए क्या बन गया, क्या बन गया? सेवन। तो हमारे पास में आ चुका है सेवन, मतलब मैं कह सकता हूं सेवन के लिए आप यूज करेंगे के। एट, एट, तो एट, एट के लिए क्या यूज करने वाले? देखिए आप रनिंग हैंड में आप इस तरह से एफ बना सकते हैं, बनाते 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 एफ का स्ट्रक्चर चेंज कर दीजिए, एफ। एट, एफ यूज करेंगे आप। नाइन, नाइन का स्ट्रक्चर चेक कीजिए, नाइन, नाइन को आप बना सकते हैं क्यू, इसका मिरर इमेज लिया पी,
इसका वर्टिकल इमेज लिया बी इस तरह से, या तो आप यूज कीजिए 9 के लिए क्यू, या आप यूज कीजिए 9 के लिए पी, क्या यूज कीजिए पी। यहां तक सभी को बात समझ में आई। अब हम पहले कोड कन्वर्जन जो सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, पहला कोड है 01, पहला कोड है 01। देखिए 0 के लिए क्या यूज करते हैं एस, 1 के लिए क्या यूज करते हैं टी, एस टी क्या हो गया सूट। पीरियोडिक टेबल में अक्सर स्टूडेंट्स को 10th क्लास तक 20 तक पीरियोडिक नंबर्स याद होते हैं, आफ्टर 20 याद रखना डिफिकल्ट टास्क होता है। तो हम 20 तक डिस्कशन ना करते हुए डायरेक्टली आएंगे 21 पर। 21 देखिए 2 के लिए क्या यूज किया जाता है, 2 के लिए क्या यूज किया जाता है एन, 1 के लिए क्या यूज किया जाता है टी, तो 21 एन ए टी नेट बराबर है। तो याद रखना नेट 21 पर क्या आ रहा है स्कैंडियम, क्या आ रहा है तो याद रखिएगा 21 नेट। सहवाग वीरेंद्र सहवाग, आप जानते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के एक प्लेयर वीरेंद्र सहवाग। देखिए स्कैंडियम, स्कैंडियम ठीक है ना, सहवाग ने क्या खाई कैंडी और क्या प्रैक्टिस कर रहा है प्रैक्टिस इनसाइड द नेट, नेट प्रैक्टिस। सहवाग ने क्या खाई कैंडी, स्कैंडियम स्कैंडियम कैंडी खाई और क्या कर रहा है नेट प्रैक्टिस कर रहा है, कौन कर रहा है सहवाग कर रहा है, सहवाग कर रहा है इसलिए देखिए इसके सिंबल में एस सी, एस सी स्कैंडियम का सिंबल होता है क्या एस सी, क्या होता है स्टूडेंट्स एस सी, कौन प्रैक्टिस कर रहा है सहवाग, क्या खा के प्रैक्टिस कर रहा है कैंडी, कहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है नेट। तो आपको याद आएगा 22 देखिए 22 आप समझ सकते हैं 22 मतलब क्या, टू दैट इज एन एन टू अगेन एन, एन एन मतलब क्या नाना, और नाना को कौन नहीं जानता है नाना पाटेकर, यू कैन रिमेंबर नाना पाटेकर, कलम वाली बाई कलम के बल पर क्रांति लाना चाहती थी, कौन समझा उसकी बात को ना हिंदू समझा ना मुसलमान समझा, याद है आपको डायलॉग नाना के, नहीं याद है क्रांतिवीर पिक्चर का नाम है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं आपको याद नहीं था नाना। तो देखिए वीरेंद्र सहवाग कौन क्या कर रहा था प्रैक्टिस कर रहा था, कहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था नेट में प्रैक्टिस कर रहा था, क्या खा के प्रैक्टिस कर रहा था कैंडी खा के, उसके नाना ने उसको टाइटेनियम घड़ी गिफ्ट की, टाइटेनियम नहीं है टाइटेनियम घड़ी गिफ्ट की, टाइटेनियम से बनी हुई घड़ी गिफ्ट की, नाना जी ने क्या गिफ्ट की घड़ी गिफ्ट की, किसको गिफ्ट की सहवाग को की, क्या कर रहा था वो प्रैक्टिस, कहाँ पे कर रहा था नेट प्रैक्टिस, क्या खा के कर रहा था स्कैंडी। देखिए स्कैंडियम नाना जी ने घड़ी दे दी सहवाग पहुंच गया 23 2 के लिए क्या यूज किया आपने एन, 3 के लिए क्या यूज किया है एन, एन एम मतलब क्या हुआ नीम। सहवाग जिस जगह प्रैक्टिस कर रहा था वो बॉम्बे का वानखेड़े स्टेडियम था, कौन सा स्टेडियम वानखेड़े स्टेडियम, कौन सा स्टेडियम, और वानखेड़े स्टेडियम के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग है ना नीम का पेड़ लगा हुआ था, मैंने बोला इसका पर्पस याद करवाना है, इसका पर्पस कभी ये नहीं कि रियलिटी से संबंध है, नीम के पेड़ के नीचे जाके वो खा रहा था कैंडी, कौन से स्टेडियम के अंदर वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम मतलब वैनेडियम, वानखेड़े स्टेडियम मतलब वैनेडियम, वहां पर उसने अपनी किट, किट कौन सी किट क्रिकेट किट नीम के पेड़ के नीचे रखती। और ध्यान से देखिएगा 24 2 के लिए N, 4 के लिए R, NR मतलब क्या आया नाना, 24 याद रखिएगा, वापस सुनिएगा ध्यान से क्रोमियम, क्रोमियम तो देखिए क्रो को मैंने कह दिया चोर, स्पेलिंग का आगे पीछे लेटर का कन्वर्जन हम लोगों को करना पड़ेगा भाई, उसकी क्रिकेट टीम को चुराने के लिए कौन आया चोर आया, चोर आया, उसने क्या लगाया नारा लगाया चोर आया चोर आया, क्या लगाया नारा लगाया क्रिकेट टीम क्रोमियम, क्रोमियम सीआर, जानते हैं आप क्रोमियम को यस नो, 24 तो 24 पे क्या आएगा नारा, नारा किसने लगाया सहवाग, क्यों लगाया चोर आया, चोर आया मतलब क्या आया क्रोमियम। 25 जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से, 25 देखिए 25 मतलब क्या एनओरएल, एन आर एल मैंने पहले बताया था आप लोगों को और आज डिस्कस फिर कर रहा हूँ एन एल, एन एल मतलब नेल, नेल समझ सकते हैं आप लोग देख भी रहे हैं यहाँ पर, अरे नेल पॉलिश नेल, मैंने बोला था आपसे हम एक ऐसे पर्सन को जानते हैं जिसका नाम क्या है गणेश, गणपति बप्पा मोरिया, उनकी ट्रंक ट्रंक लंबी होती है, ट्रंक समझते ना सुन, अरे सुनो ट्रू ट्रंक समझते सभी लोग बराबर है, ये स्पेशल टाइप के गणपति जी जिनके नेल्स लंबे
एक मैन जिसका नाम क्या है, गणेश, उसके क्या लंबे है, नेल्स, ना कि क्या लंबी है, ट्रंक नहीं है, क्या अवेलेबल है, नेल्स, क्या अवेलेबल है, नेल्स, मैंगनीज। अब 26 चेक कीजिएगा, एनर्जी नाग, टू के लिए क्या यूज करेंगे एंड, सिक्स के लिए क्या यूज करेंगे जी, एनर्जी। तो नाग आप जानते हैं, याद आ गया, एफ ई आयरन, नाग की फनकार, अरे नाग की फनकार, एफ ई मतलब क्या हुआ, आयरन। 28, 26 हो चुका है, 27 देखिए, 27 के लिए देखिए, 2 के लिए क्या यूज किया हुआ है एन, के लिए क्या यूज किया हुआ है सेवन। नेक, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा, नेक बचपन में आपने कई बार खिलौने देखे होंगे, छोटे छोटे खिलौने होते थे, उन खिलौने की खास बात ऐसी होती थी कि उनको आप ज्वाइंट कर सकते थे, ऐसा घुमा घुमा के राउंड करके, 5 खिलौने के टुकड़े कर दिए गए, राउंड कर दिया, ज्वाइंट कर दिए, अटैच कर दिया, तो क्या हुआ, मैं एक ऐसा खिलौना लेके आया जिसमें एक डक थी, डक मतलब बतख, उसकी गर्दन कट गई, मतलब उसका जो नेक होता है वो कट चुका था नेक। अब हमने नेक को बोल्ट लगा दिया, बोल्ट समझते हैं आप, नट बोल्ट, नेक को क्या लगाया बोल्ट, देखो को बोल्ट, नेक को क्या लगाया, सिंबल, नेक को क्या लगाया, किसकी नेक को लगाया तो आप जानते हैं, बराबर है, किस पर्पज के लिए लगाया, वापस से अटैच करने के पर्पज से, नेक को बोल्ट। 29, एन बी मतलब निब, निब किसकी बनी है, कॉपर की, निब किसकी बनी है, कॉपर की, आप जो पेन यूज कर रहे हैं वो स्टील की निब बनी हुई है, किसकी निब बनी हुई है, स्टील, लेकिन हम जो पेन यूज करेंगे आप मॉडर्न पेन या ओल्ड पेन भी देखिए आप, इंक पेन बनते थे, किससे बनते थे, कॉपर की निब से। 30 ms, ये तो मैं आपको पहले बता चुका था, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, 30 ms मतलब महेंद्र सिंह धोनी नहीं, ms मतलब माउस, ms मतलब क्या है, माउस, अरे क्या अवेलेबल है, अरे बोला तो करो यार, माउस, माउस का शेप आप देख सकते हो किस तरह का होता है, देखिए ये रहा माउस, स्ट्रक्चर लाइक दिस, जिंक, अरे होता है ना माउस का शेप, जिंक, कैसा लग रहा है, जिंक की तरह, माउस, तो यू कैन अंडरस्टैंड, जिंक इज लाइक अ माउस, माउस इज लाइक अ जिंक। 31 में देखिएगा MAT मतलब क्या होता है, चटाई, जिस पर हम बैठते हैं, दरी भी बोलते हैं कई बार उसे, देखिए गैलियम और चटाई का क्या संबंध है, ध्यान से सुनना, आप जा रहे थे गली के अंदर, गली गली में चटाई बिछा दी, गली गली के अंदर क्या बिछा दी, चटाई, मैट, अरे होता भी है ना, राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है तो रेड कलर की मैट होती है, रेड कार्पेट वेलकम किया जाता है, रेड कार्पेट वेलकम, याद है कि नहीं, याद है, समझते कि नहीं, गली के अंदर क्या बिछा दी, मैट, गैलियम। MN मतलब मून, वहाँ देखिए मून का, मून पर क्या आ रहा है, 32, गैलियम, जर्मेनियम होता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है, गागे ऐसे बर कर यजर, गागे ऐसे बर कर यजर, गागे ऐसे बर कर यजर मतलब गा गैलियम, गे दैट इज जर्मेनियम, एस दैट इज आर्सेनिक, एस ई दैट इज सेलेनियम, बी आर दैट इज ब्रोमीन, के आर दैट इज क्रिप्टॉन, वाई दैट इज एट्रियम, जेड आर दैट इज जिरकोनियम, जिरकोनियम। 32 पे होता है, देखो ध्यान से, आप सब लोग ये बात जानते हैं कि जब आप लोग फास्ट रखते हैं तो फास्ट रखने के बाद सुबह से लेकर शाम तक अगर आपने पानी नहीं पिया हो तो आपको अजीब सी स्मेल अपने आप से खुद से माउथ के अंदर से आने लगती है, रात को सो उठिया, उठने के बाद में सपोज मॉर्निंग के अंदर जब आप उठते हैं 7 से 10 घंटे सोने के बाद में स्मेल अजीब सी आती है, कारण क्या रहता है, ये कोलगेट प्रचार करता है ना, जर्म्स, बैक्टीरिया आपके मुंह में जो है, बैक्टीरिया या जर्म्स बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं, अरे बाबा क्या बात है, देखिए कई लोग फास्ट जो करते हैं, हिंदुस्तान में करवा चौथ का प्रचार किया जाता है, आप ये भी समझ सकते हैं कि जो मोबिडन पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो चांद को देखकर खाना खाना स्टार्ट करते हैं,
चांद दिखा कि नहीं दिखा? नहीं दिखा, नहीं दिखा, खाना नहीं खाएंगे। चांद दिखा, खाना खाएंगे। यस नो? तो मून चांद को देख के उन्होंने अपना माउथ गीला किया और तब तक उन्हें फील हुआ कि बहुत सारे जर्म्स उनके माउथ में अवेलेबल है। जर्मेनियम मून, जर्मेनियम मून, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसका कोई लेने देना नहीं वास्तविकता से, इसका लेने देना है याद रखने से। किसके लेने देना है? याद रखने से, कोई रिलेशन नहीं है। तो जर्मेनियम 32, एक बार वापस से रिपीट करते हैं, 31 मैट कहाँ पर बिछाई आपने? गली गली में। गली गली में मतलब क्या? गैलियम। गली गली में मतलब क्या? गैलियम। 32 की हम बात करेंगे, मून, मून को देखकर उन्होंने क्या किया? मुंह गीला किया, बराबर है। तब तक उनके माउथ में क्या अवेलेबल थे? जर्म, दैट इज जर्मेनियम। बताइएगा ध्यान से, ममा और मामा दोनों में बहुत बहुत कंसर्न रिलेशनशिप होता है, आप जानते हैं भाई, आप जानते हैं, आपकी मामा का ब्रदर आपका मामा है, कोई डाउट है इसमें? आपकी मामा का ब्रदर क्या है? आपका मामा है, बुरा मत मानना, लेकिन सच्चाई बहुत बड़ी बात। अब ये मेरा जो मामा है, मेरा जो मामा है, मान के चलिए वो सैनिक है, क्या है? अरे मामा आप क्या हो? सैनिक। मामा क्या है? सैनिक, आर्सेनिक। मामा क्या है? सैनिक, आर्सेनिक। मामा का दोस्त 34 3 के लिए क्या जोर है बताओ? 3 के लिए क्या जोर है? M। 4 के लिए क्या जोर है? R। MR मतलब क्या? मिस्टर, मिस्टर भी बोल सकते हैं, मिस्टर आमिर। मामा का दोस्त कौन है? आमिर खान। कौन है? आमिर खान, मिस्टर आमिर खान। आमिर खान तो याद रखना, आमिर खान का अफेयर किसके साथ में? सेलिना जेटली। समथिंग न्यू न्यूज अबाउट द आमिर खान एंड सेलिना जेटली, वी आर गेटिंग सम र्यूमर्स अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन सेलिना जेटली एंड विच खान, आमिर खान, कोई संबंध नहीं इसका वास्तविकता से, याद रखिएगा। 35 भाई, 35 मतलब मेल, देखिए 35 मतलब मेल कैसे, 3 मतलब क्या है? एम। 5 मतलब क्या है? अरे 3 मतलब क्या है? 5 मतलब एल। 35 मतलब क्या है? मेल। मैंने किसको मेल किया? मैंने बताया था बेसिकली सेलिना जेटली और मेरे ब्रदर का मैरिज होने वाला था, क्या होने वाला था, और मुझे तुरंत पता चला कि मामा के दोस्त आमिर खान के साथ उसका क्या है? अफेयर। तो ये मैंने मेल किसको किया? मेरे ब्रदर को। किसको किया? ब्रो माइंड। किसके ब्रदर को? मेरे ब्रदर को। मैंने क्या किया? मेल किया। क्या बताने के लिए किया? समथिंग इज गोइंग हिडन रॉन्ग। और वो रॉन्ग क्या था? किसका? किसके साथ? सेलिना का। क्या? आमिर के साथ। वो किसका दोस्त था? मामा। मामा क्या थे? सैनिक। सैनिक, सैनिक लोग अक्सर ऐसा नहीं बोलूंगा, काफी डिसिप्लिन होते हैं, है ना, ध्यान रखना। अच्छी बात। 31 वापस रिपीट करते हैं, 31 मतलब क्या? मैट। मैट कहाँ पर है? गली गली में। गली गली में मतलब क्या है? गैलियम। मुंह और माउथ और मून का क्या रिलेशनशिप है? जर्म्स, जर्म्स दैट इज जर्मेनियम। मामा, मामा क्या है? सैनिक। आर्सेनिक दैट इज 34। मिस्टर एमआर, एमआर मतलब क्या? आमिर। आमिर का किसके साथ? सेलिना। इसकी इंफॉर्मेशन किसको? ब्रो माइन। ब्रो माइन दैट इज क्या दिया उसको? मेल, बराबर। तो जैसे ही मेरे ब्रदर को इस इंफॉर्मेशन को कन्वे किया गया, 36 ध्यान से देखिएगा, 36 3 3 6 3 6 ध्यान से सुनिए, 36 mg, mg, mg मतलब मग, सुनिएगा ध्यान से, हाँ, चाय पी रहा था वो मेरा भाई, जिस समय उसको मेल आया, जीमेल पे उसने मेल चेक किया, चाय पी रहा था, और चाय जब पीते पीते उसके मन में आया, देखो मग से चाय पी रहा था वो, मग से पी रहा था, मग से, मग का समझते आप, पानी के लिए यूज किया जाता है ना, नहाने के लिए। अरे सुनो, और मैं बता दूं आपको, उसके पास में एक और बड़ा मग्गा रखा हुआ था, और उस मग्गे की साइज इतनी बड़ी थी, वो कितने टन का मग्गा था? 1 टन। कितने टन का? 1 टन। क्रिप्टन, क्रिप्टन 1 टन। कितने टन? इमेजिनेशन तगड़ा है भाई। एक टन का मग्गा रखा हुआ है, उसके पास में मग्गे में चाय लेके पी रहा है, और ब्रदर है, और इन्फॉर्मेशन कौन सी मिल रही है? अरे कौन सी मिल रही है? किसके बारे में? सेलिना और आमिर के बारे में, और उसका दिमाग खराब हो गया। तो 1 टन का मग्गा, 1 टन का मग्गा, मग्गा कितने टन का? 1 टन, 1 टन दैट इज क्रिप्टन, याद आएगा आप लोगों को। 36 37। अब जैसे ऐसा हुआ, वो शॉक हो गया, डेफिनेटली शॉक होने वाला है, जिसके साथ शादी होने वाली है उसके बारे में अगर सब इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो बड़ा खतरनाक काम है। तो 37 37 3 m 7 मतलब क्या है? के
थ्री एम, सेवन मतलब क्या है के, एम के मतलब क्या हुआ माइक, एम के मतलब क्या हुआ माइक लेकर वो चिल्लाने लगा रोड पर, कौन ब्रदर, अनाउंसमेंट करने लगा किस बारे में, रूबी, सेलिना का एक और नाम था पर्सनल नेम सेलिना का एक, मतलब जैसे कहते हैं ना हर व्यक्ति का एक नाम रखते हैं आप, कोई रखता है सोना, कोई रखता है स्वीटी, कोई रखता है टीटी, वैसे इसका नाम क्या रखा हुआ था, क्या नाम रखा हुआ था, रूबी, अरे क्या नाम रखा हुआ था, रूबी। तो चिल्लाने लगा, रूबी तुम कहाँ हो, अब मुझ में कोई दम नहीं बचा, रूबी डीएम तुम नहीं रहोगी तो मेरी जीवन बर्बाद हो जाएगा, ऐसा वो बोल रहा है, याद रहा क्या, रूबी। उसके बाद उसका मूड खराब हो गया और बन गया माफिया, क्योंकि डेफिनेटली आप जानते हैं जब इंसान प्यार में अंधा होता है तो दो ही काम करता है, या तो अच्छा बन जाता है बुरा बन जाता है, बुरा बना मतलब क्या बना, माफिया, माफिया दैट इज 3M, 8 दैट इज F, माफिया बना, माफिया बना देखो, और माफिया बन के वो बन गया एकदम स्ट्रांग स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रांग स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रांग स्ट्रॉन्शियम, बराबर है। और वो माफिया कहाँ कहाँ है, डेफिनेटली मैं कहाँ कहाँ हूँ, MP मैं कहाँ कहाँ हूँ, मध्य प्रदेश, दैट माफिया इज स्ट्रांग, और वो मध्य प्रदेश से यात्रा करके आया, यात्रा दैट इज इट्रियम, इट्रियम, अरे डेफिनेटली वो मारने के लिए किसको आया, अरे जितने भी ये लोग माफिया लोग होते जाते कि नहीं जाते डिस्टेंस ट्रेवल करके, कहाँ से आया, MP से आया, किसको मारने आया, मिस्टर आमिर को आया, मिस्टर आमिर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में मतलब कहाँ पर है, बॉम्बे में, क्या करके आया, यात्रा, कहाँ से आया, MP से आया, कौन आया, माफिया आया, कौन आया, माफिया आया, माफिया क्या बन गया, स्ट्रांग, क्या लेके चिल्ला रहा था, माइक, किसके बारे में, रूबी के बारे में, इन्फॉर्मेशन मिली जब, क्या पी रहा था, चाय, कितने टन के मग्गे के अंदर, 1 टन, ये इन्फॉर्मेशन किससे मिली, मेल, मेल किसको भेजा, ब्रोमाइन, दैट इज ब्रदर, 34, किसका मेल भेजा, सेलिना और आमिर का, बराबर है, किसका दोस्त है, मामा, मामा का, मामा क्या है, सैनिक, ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बोलो, मून, जर्मेनियम, 31, मैट कहाँ पर थी, गली गली में, तो ये याद हो गया आप लोगों को, लास्ट में हम देख लेते हैं, बस वो यात्रा करके गया माफिया, 40 देखना ध्यान से पढ़े, 40 ROS, क्या लेके गया, रोज, और रोज जिसके लिए लेके गया उसका नाम क्या था, देखो जिरकोनियम, मतलब वो रूबी को कोने में ले गया और रोज दे दिया, जिरकोनियम, कोने में, कोनियम, अरे आप बोलते ना कोपचे में, कहाँ ले गया, अरे रूबी का एक और नाम रख दिया उसने, जारा, क्या रख दिया, जारा, रूबी से चेंज, तुम कितने खूबसूरत हो बेटा, 41, चूहा, उंदिर, माउस और रैट में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माउस एंड रैट, क्योंकि हमने 30 पे पढ़ा था माउस और हम यहां पढ़ रहे हैं रैट, माउस लिव इनसाइड द हाउस एंड रैट आउटसाइड द हाउस, ट्रू फैक्ट, जो खेत के अंदर रहता है उसे उंदिर बोलते हैं, माउस, माउस नहीं ये अपना रैट, और जो घर के अंदर पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, माउस, इनसाइड द हाउस, घर के अंदर जो होगा उसे क्या बोलेंगे, माउस, और बाहर जो होगा उसे क्या बोलेंगे, रैट, कंफर्म भी कर लेना ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो 41, RAT, 4 के लिए R, 1 के लिए T, रैट, यहां देखो मैंने क्या किया, मेरे घर में एक इंटरेस्टिंग बात है, काम करने के लिए एक नई बाई रखी, काम ढंग से नहीं करती है, घर में क्या हो गया, बहुत सारे चूहे हो गए, मैंने न्यू बाई रखी, न्यू BM क्या रखी, काम ढंग से नहीं हुआ, क्या हो गया घर में, चूहे, न्यू BM, देखिए न्यू BM क्या रहेगा, न्यू BM, देखिए 42 क्या बच्चों, 42, 4 मतलब क्या है, R, 2 मतलब क्या है, N, 2 मतलब क्या है, N, 42 मतलब क्या है, रेन, देखिए आप जानते हैं कि जब पानी गिरता है, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे, वो होता है ना बचपन में कैसे कहते, लिटिल जॉनी वॉन्ट टू प्ले, अब हम खेलना नहीं चाहते, हम जा रहे हैं पानी में, भीगना चाहते हैं, पानी गिर रहा है, आप जानते हैं पानी गिरता है तो क्या होता है, पानी गिरने के बाद में एग्रीकल्चर लैंड डेवलप होती होती कि नहीं होती है भाई, पानी गिरने के बाद में ध्यान से सुनना, रैन आई, रेन आने के बाद में जो मैं कह रहा हूं, स्पेलिंग देखो, MOLY, इसे आप याद रखना, गाजर मूली खाते हैं आप लोग, मूली नो वाली नहीं,
गाजर मूली समझते हैं आप, गाजर मूली। तो रेन के आने से क्या डेवलप हुआ, मूली के बाद, किसके बाद, मूली के बाद। अरे मूली समझते हैं ना आप लोग, अरे यहाँ पर हिंदी में मूली बोला जाता है, यहाँ पर क्या बोला जाता है पता नहीं मुझे, क्या बोला जाता है, हाँ ये बात बिल्कुल याद रहा आपको। तो रेन के आने से क्या डेवलप हुआ, किसके बाग डेवलप हुए, किसका एग्रीकल्चर लैंड डेवलप हुआ, ध्यान रखना। मराठी में बड़े खतरनाक खतरनाक शब्द कहते हैं, मूली नो लड़की हो। 43 फोर मतलब आर, थ्री मतलब एम, राम, राम जी को जानते हैं आप लोग, वाह वाह राम जी। तो राम दैट इज, पुराने जमाने में राम जी तीर मारते थे, आजकल आप बंदूक लेते हैं, टेक्निक यूज करते हैं। क्या यूज कर रहे हैं राम जी अब, उनके हाथ में हमने क्या दे दिया, तीर नहीं बंदूक, क्या यूज कर रहे हैं, टेक्निक। टेक्निक यूज करके क्या कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, मॉडर्न राम जी, टेक्नीशियम, टेक्नीशियम याद रहेगा, ठीक है। 44 रियर, रियर मतलब समझते हैं मिरर। 44 आर आर, आर आर मतलब आर आर स्कूल भी है, पर उसे याद रखिएगा रियर, रियर को एक और काम, एक और कहा जाता है मिरर, क्या कहा जाता है मिरर। तो देखिए मिरर के अंदर अक्सर जो लोग जिनका साइज बड़ा होता है, पहलवान टाइप होते हैं, वो जाकर देखते हैं कि मैं आज दुबला नजर आ रहा हूँ क्या, पतला नजर आ रहा हूँ क्या। अरे होता कि नहीं होता है, कोई जिम में चला गया 5 से 10 डंबल्स मारेगा, उसके बाद आके फील करेगा ऐसा एकदम हाथ लगा के एकदम, ऐसा ऐसा लोगों का नॉर्मल टेंडेंसी होता है। जितने भी लोग होते हैं जो दौड़ने जाते हैं सुबह, मान लीजिए जिनका साइज थोड़ा सा ज़्यादा है, पहलवान है, अरे वेट ज़्यादा है मतलब कहने का 70-80 केजी है, एज है 10 साल और वेट है 90 किलो, ऐसा बच्चा जब दौड़ने जाएगा बार बार मेरे के सामने आके देखेगा, आर यू थिन रुथेनियम, क्या देख रहा है अपना साइज, किसके अंदर देख रहा है मिरर, बार बार अपने आपसे पूछ रहा है क्या तुम थोड़े से थिन मतलब समझ रहे हो ना, हाँ आर यू थिन रुथेनियम। 45 मतलब क्या बच्चों चेक कीजिएगा, 4 मतलब आर, 5 मतलब एल, रेल, रेलगाड़ी कहाँ पे चल रही है, रोड पे, रेलगाड़ी कहाँ पर चल रही है, अरे क्या सर कजब रेलगाड़ी है, मैंने बोला है हमारा पर्पस केवल याद रखना है, रेलगाड़ी ट्रैक पे नहीं चल रही है, कहाँ पे चल रही है, अरे कहाँ पे चल रही है, रोड, रोड पे चल रही है, रोडियम, रोड पे चल रही है, देखिए ध्यान से आरजे, हालांकि ज़्यादा अच्छा आरजे वाला रहेगा हमारे लिए राजा, हालांकि वो भी राजा ही है और वो मूवी का राजा है, ये असली का राजा है, दोनों में अंतर देखो। 4 मतलब आर, 7 मतलब जे, आर जे राजा, मैंने पहले भी बोला था कि राजा के बड़े नवाबी शौक होते हैं, कभी ये डिमांड करता है कभी वो डिमांड करता है, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, और मैंने उस दिन भी कहा था आज फिर कह रहा हूँ, राजा को पालने का दम, देखो मैं वापस कह रहा हूँ कुछ भी लिखना है हर किसी में नहीं होता है, पालने का दम पैलेडी है, अरे पालने का दम, पालने का दम मतलब समझते हो, पालना मतलब वाला नहीं क्या, 7 का के क्या पक्का याद हो गया, तो आर के मतलब क्या आएगा, देखो ध्यान से आर के रॉक स्टार, और मैंने बोला था रॉक स्टार मूवी में क्या लगा दो, आग लगा दो, रॉक स्टार मूवी में क्या लगा दो, आग, क्योंकि आप जानते हैं ये मूवी अच्छी नहीं है, अरे देखिए क्या किसी ने रॉक स्टार नहीं देखी होगी, देख लेना, आग लगा दीजिए मतलब क्या आएगा एजी, आग लगा दीजिए मतलब क्या आएगा एजी, एजी मतलब क्या होता है, देखो कितनी अच्छी बात है, एजी एयू ओ मेरा चांदी तू, मेरा चांदी तू, तू मेरा सोना तू, एजी एयू विल यू रिमेंबर, एजी सुनो जी एयू, एयू मतलब एजी मतलब, क्लियर है सभी को, अरे रिमेंबर रहेगा क्या, फिर भी आगे डिस्कस करने वाला हूँ मैं, याद रखना तरीका होता है, हालांकि ये चीज़ हम लोगों को वापस से समझनी होगी, आर जे के प्लेस में यहाँ पे चाहिए हमें आर के, क्या चाहिए आर के, आर के मतलब रॉकस्टार, रॉकस्टार मूवी में क्या करना है, आग लगा देना, रूफ, रूफ देखो कैसे, रूफ 4 के लिए क्या यूज करते हैं आप आर, 8 के लिए क्या यूज करते हैं आप एफ, बराबर रूफ। एक दिन क्या हुआ,
एक बच्चा आता है मेरे पास में, वो कहता है कि सर मैं छत पे से कूद जाऊंगा, धमकी देता है, आप मेरे पापा को बताओगे तो मैं छत पे से कूद जाऊंगा। मैं बोलता हूँ कूद जा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कूद जा, क्योंकि छत से कूदने का दम हर किसी में नहीं होता है, कूदने का दम कैडमियम। इससे याद रखना, कैडमियम, कूदने का दम। मैंने बोला इसका शब्दों से कोई संबंध नहीं है, अच्छे शब्द मिलेंगे नहीं, आपको याद रखने के तरीके खोजना है। कूदने का दम क्या हुआ? कैडमियम। 49 रोप, रोप हिंदुस्तान में, देखो रोप, रोप किस कलाकार मैं आपको बताना यह चाहता हूं, देखिए ध्यान से, चलिए पहले ये कर लेते हैं, लेट अस कंप्लीट फर्स्ट दिस। 50 5 के लिए क्या यूज करते हैं आप? एल। 0 के लिए क्या यूज करते हैं आप? एस। 5 के लिए क्या यूज करते हैं? एल। 0 के लिए क्या यूज करते हैं? लेस। तो ये आ गया लेस, क्या आ गया? लेस। लेस जो आप खाते हैं वो किसकी किसकी थैली में आती है? प्लास्टिक में। किस में आती है? प्लास्टिक। लेकिन अब से आप जो लेस यूज करेंगे वो टिन के डब्बे में आएगी, टिन के डब्बे में, समझ रहे क्या? लेस किसके डब्बे में? टिन के डब्बे में। प्लास्टिक चेंज इनटू टिन, और टिन मतलब आप जानते हैं आप लोग टिन सिंबल क्या होता है? SN। क्या होता है? SN। 49 पर फिर देख लेते हैं, 49 ROPE। देखो हिंदुस्तान में हम जानते हैं रोप किस लिए यूज किया जाता है, बोले फांसी लगाने के लिए सबसे पहले ये आएगा, हाँ पानी भरने के लिए, और कभी कभी सैनिकों के द्वारा, जो सोल्जर्स होते हैं आर्मी मैन, उनके द्वारा कहीं चढ़ने के लिए यूज किया जाता है। और इंडियन की एक स्टाइल है, इंडियन पर्सन सबके टांग खींचने में लगे हुए रहते हैं। रोप किस लिए? सिंबल, सिंबॉलिकली रोप याद रखना किस लिए? ऊपर चढ़ने के लिए। और इंडियन की स्टाइल क्या है? टांग खींचना। क्या है? टांग खींचना। तो रोप याद आएगा तो क्या याद आएगा? ऊपर जाना। और उसका उल्टा काम करने वाले कौन है? इंडियन। अरे सारे नहीं है ना, सारे नहीं, इंडियम क्या आएगा? इंडियम। चलिए देखते, 50 हो गया, 50 होने के बाद में एक बार रिवाइज कर लेते फटाफट। 41 रेट। मेरे घर में चूहे ज्यादा क्यों हो गए? तो क्योंकि मैंने क्या रखी थी? न्यू बाई दैट इज न्यूबियम। अरे भाई पानी गिरा तो क्या उगने लगे? मोलिब्डेनम। राम जी ने क्या है उसकी टेक्निक? टेक्निशियम। मिरर में जाके बार बार क्या पूछ रहा था अपने आप से? आर यू थिन दैट इज रुथेनियम। रेलगाड़ी कहाँ पे चले लगी? रोड पे, रोडियम। राजा नहीं आएगा, राजा ही आएगा ना, राजा मतलब क्या आएगा? राजा को पालने का दम हर किसी में नहीं होता, मतलब क्या आएगा? पैलेडियम। क्या आएगा? 47 के लिए आर, यहाँ 7 के लिए क्या आना चाहिए था? के। क्या आना चाहिए था? के। आर के मतलब क्या? रॉक स्टार मूवी में क्या करना है? आग लगा देना है। एजी मतलब AU, और मैंने बताया था AU मतलब क्या? सोना, और क्या? चांदी, ठीक है, सोना चांदी, AGAU दोनों ही अच्छे हैं, मेटल्स हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है। 48 रूफ। एक बच्चा धमकी दे रहा था मुझे कि सर छत पे से कूद जाऊंगा, अपने पापा से कहा तो मैंने क्या बोला? जा कूद जा, क्योंकि मैं जानता हूँ छत पे से कूदने का दम हर किसी में। तो देखो तीन बातें सिमिलर मिली, पालने का दम, कूदने का दम, और कौन सा? दो ही है। पालने का दम मतलब पैलेडियम, और पालने का दम किसको? राजा। राजा मतलब आर जे, आर के लिए 4, जे के लिए 6, बराबर है, ये हो गया आर जे। पालने का दम मतलब पैलेडियम, पालने का दम, ये हो गया हमारे पास में। और कैडमियम के लिए हम देखेंगे CD, कैडमियम। देखिए कैडमियम के लिए क्या आ रहा है, चेक कीजिएगा, 46, 47, 49, 50। लेस अब किसमें मिल रहे हैं आपको? टिन के डब्बों में। लेस मतलब LYLAYS। L मतलब क्या है? 5। S मतलब क्या है? 0। 50 मतलब क्या है? लेस। लेस में किसके डब्बों में मिली? 10। याद रहेगा सभी को। 49 रोप। 49 रिकॉल कीजिए 49 को कैसे। 4 के लिए क्या यूज होगा? R। 9 के लिए क्या यूज होगा? P। ROPE रोप। रोप किस लिए यूज होती है? बराबर है, इंडियम। एक बार वापस से रिकॉल करते हैं, फास्ट थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, इस बार आप बोलते जाएंगे। 40
40 रोज, रोज किसको दिया? जारा को दिया। कहाँ ले जाके दिया? कोने में, जिरकोनियम। 41 रैट, किस कारण से हुआ? न्यूबियम, न्यूबियम। 42 रेन, मूली। 43 राम। 44 आर्यूथिन, रुथिनियम। 45 रेल, रोडियम। 46 आरजे, राजा, राजा को पालने का दम, पैलेडियम। 47 रॉकस्टार, रॉकस्टार एजी, एजी सिल्वर। 48 रूफ, कैडमियम। 49 रोप, इंडियम। 51 फाइव पता वेल टी लोटा। ध्यान से देखिएगा, ये कहानी है उस समय की, आज के करीबन 70 साल पहले की कहानी, 1947 से भी पहले की। बात कैसी है, पहले पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में पूरी कहानी को मैं डिस्कस करूंगा। 51 लोटा, 52 समझ आना बच्चों, 52 5 के लिए एल, 2 के लिए एन। 52 एलएन, एलएन मतलब मैं नहीं बोलूंगा, आप देख लो। एल 3 LM क्या बोलते हैं इसे, धन्यवाद। LR लारा, लारा दत्ता भी पॉसिबल है, ब्रायन लारा भी पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है, ब्रायन लारा। LL लालू भैया। LG ATV। 57 LK, ये क्या होता है? तो ये क्या होता है फिर? धन्यवाद, प्रोनाउंसिएशन आप जानते हैं। एल एफ, एल एफ लीफ। एल एल 5 के लिए एल, 9 के लिए बी। 60 जे एस जस्सी, एक नाटक आता है जस्सी जस्सी, नहीं सुना है, कोई बात नहीं। तो हम इसको ऐसा भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 6 के लिए जी, इसके लिए एस, जी एस ग्राउंड। You can remember like this also, GS ground, कौन सा ground? चलिए थोड़ा सा revise करते हैं हम लोग। देखिए 1920 movie देखी थी हम लोगों ने, 1920 समझ लीजिए इसी तरह की movie का एक part है। इसमें क्या हुआ था कि एक आंटी, आंटी ने एक बहुत बड़ा सा लोटा, लोटे के अंदर आंटी ने बहुत सारा money, आंटी ने क्या किया था, मनी किसके अंदर भर दिया, लोटे के अंदर। पुराने जमाने के लोग आप जानते क्या करते थे, जितना भी धन माया रहती थी वो क्या करते थे, स्विस बैंक में तो डालते नहीं थे, कहाँ रखते थे, लोटे के अंदर। अशरफिया रखते थे ना पुराने जमाने के लोग, सोने की अशरफिया, उनको रख के घड़े के अंदर बंद करके, घड़े को गड्ढा खोद के उसके अंदर धन रख देते थे। अरे सुनो, तो एंटी ने क्या किया, मनी किसके अंदर रखा, लोटे के अंदर। तो देखो 51 लोटा, लोटे के अंदर एंटी मनी। अब ये जो आप जानते हैं पुराने जमाने में ऐसा कहा जाता है कि इस धन की रक्षा सांप करता है, नाग करता है, वो पुरानी मूवीज बनी भी है, मतलब मैथोलॉजिकल मूवीज इस तरह की, कि जहाँ पर सांप रहता है नागमणि रहती है, या उल्टा है, उस धन की रक्षा करने वाला शेर था। अरे माता जी के भक्त जितने भी जो जानते हैं, माँ की रक्षा करने वाला कौन होता है, शेर होता है ना। अरे सुनो, तो माँ मतलब आंटी, आंटी की रक्षा करने वाला कौन है, शेर। अब शेर, अब ये अलग टाइप का शेर है, आप जानते ना, टेल, टेल मतलब क्या होता है, एक होता है टेल का मतलब क्या, बताना कहना, और एक होता है टेल, इसका मतलब क्या होता है, उस शेर की पूंछ बहुत लंबी है। आंटी का जो पालतू शेर है ना, उसकी पूंछ बहुत लंबी है, टेल्यूरियम, टेल्यूरियम क्या आएगा, टेल्यूरियम। थोड़ा सा लगेगा हल्का सा आपको, लेकिन याद होगा, आंटी का पालतू शेर उसकी क्या लंबी है, पूंछ, टेल, टेल दैट इज, इसका स्पेलिंग से लेने देना कुछ भी नहीं है। अब क्या हुआ, 53 LM बराबर, LM मतलब समझते हैं आप, लाइन भाई। जैसे ही कोई भी व्यक्ति उस मटके को लेने के लिए पहुंचता है, तो उस व्यक्ति के पास में आसमान से नींबूओं की वर्षा होने लग जाती है। काल्पनिक कथा है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ये याद रखने के लिए बनाई गई है। और उन नींबूओं पे लिखा हुआ आता है आई एम कमिंग, आप समझते हैं, इस तरह के पॉसिबल हो सकते हैं ना, ये ऐसा
अरे ऐसा देखा क्या, देखा आप लोगों ने सिंबल बहुत दिखता है आपको, डेंजर। अरे दिखता क्या, दिखता है ये डेंजर सीन आता है, डेंजर सीन आता है, डेंजर उस पर लिखा रहता है। नींबू कितने किस कलर के होते हैं, किस कलर के होते हैं बच्चों? अरे किस कलर के होते हैं, ये कलर कौन सा है, ग्रीन है क्या? ये ग्रीन है? ग्रीन नहीं है ना, कंप्लीट येलो है ना, कंप्लीट ग्रीन है। उसके मिड का कोई कलर अवेलेबल है? ग्रीन येलो, ग्रीनिश येलो बोल सकते हैं इसे, क्या बोल सकते हैं? उसके ऊपर रेड कलर में लिखा हुआ रहा है आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, आई दैट इज वॉट आयोडीन, आई दैट इज वॉट। देखिए कहानी का इंटरेस्टिंग मोड वापस से, लोटा, लोटे के अंदर एंटी ने क्या किया, क्या किया, मनी। लोटे के अंदर एंटी ने डाला मनी, लोटा दैट इज एंटी मनी। एंटी का कौन है, पालतू शेर, उसकी क्या लंबी है, टेल। पक्की बात, जैसे उसको कोई हाथ लगाने जाता है नींबू की बारिश, उस पर क्या लिखा हुआ है, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग मतलब समथिंग इज इंफॉर्मेशन आयोडीन, बराबर 54 LR, बराबर है लारा दत्ता। जबकि मैं यहाँ पर प्रेफर करूँगा ब्रायन लारा को, क्योंकि आपने एक बचपन में एक मूवी देखी थी या बचपन में एक सीरियल देखा था जिसका नाम था शक्तिमान, अंधेरा कायम रहे। अरे अंधेरा कायम रहे जानते कि जानते, मेरा कोई किसी पर कमेंट नहीं है, लेकिन आप ब्रायन लारा का कलर जानते हैं, यू नो द कलर ऑफ ब्रायन लारा। अरे वेस्ट इंडियन, अरे सुनो, मेरा किसी कलर को लेकर कमेंट नहीं है, बस याद कराने का तरीका है। अंधेरा कायम रहे, ब्रायन लारा हाजिर हुआ, हाजिर हुआ, इस तरह से अंधेरा कायम रहे का सिंबल शक्तिमान में ऐसा होता था, याद है कि नहीं? अरे सुनो, ये देखो अंधेरा कायम रहे, जीनॉन क्या रहेगा, सीनॉन। और वो ब्रायन लारा जो था वो किसका दोस्त था, लारा। एक है आसमान तो एक है धरती, समझ लीजिए दोनों में अंतर है बहुत बड़ा। एक है विश्व सुंदरी तो पता नहीं एक कौन सा सुंदरा, याद रहेगा क्या? वापस देखिए 51, लोटा, लोटे के अंदर क्या था, लोटे के अंदर क्या था, मनी। 52 लायन, टेल्यूरियम। 53 आयोडीन। 54 लारा, लारा मतलब अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहे दैट इज ज़ीनॉन। जैसे ही लारा आया लालू उसके पीछे दौड़ा, इनका कोई कनेक्शन नहीं है ना, इनका कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप सोचेंगे लालू का लारा का क्या कनेक्शन है, नो कनेक्शन। ब्रायन लारा अंधेरा कायम रहे, लालू आया, लालू ने फोटो निकाला किसी कैमरे से, और लालू ने पूछा कैसे हो भैया, कैसे हो भैया, सीजीएम तरीका, कैसे हो भैया सीजीएम। लालू ने फोटो निकालने से पहले ऐसा बताया, लालच, लालू का लालच, क्या लालच था, लालच ऐसा था भैया हम तुम्हारा फोटो टीवी पर डालेंगे। अक्सर लोगों को काफ़ी फेम लेने का मतलब एक फीलिंग रहता है कि मेरा फेम बढ़े, तरीका क्या है, टीवी पर आ गया, कौन से टीवी पे, एलजी टीवी पे तुम्हारा क्या डालेंगे, फोटो। और फोटो कैसा डालेंगे, ध्यान से सुनना, बड़ा फोटो, बड़ा बड़ा फोटो डालेंगे तुम्हारा, हम बड़ा, बराक ओबामा नहीं है ना, बैरियम, बड़ा दैट इज बैरियम। वापस बोल रहा हूँ, शब्दों से संबंध कुछ भी नहीं है, इमेजेस फॉर्म करने की कोशिश हम कर रहे हैं, ये कंसर्न रहेगा ही नहीं कि स्पेलिंग करेक्ट हो। अब देखिए आप तो जानते हैं वो जो पुराना सीरियल था शक्तिमान, उसमें बताया गया था ना अंधेरा कायम रहे, बचपन से हमको सीखने को भी मिला है अंधेरा गायब कब होता है, जब क्या आ जाता है उजाला, फोटो निकालते समय फ्लैश लाइट आती कि नहीं आती, आती है तो उजाला भागेगा कि नहीं, उजाला आने से अंधेरा भागेगा कि नहीं भागेगा, भागा, किसकी तरफ भागा। और आप जानते हैं भूत लोग कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर, अंधेरे में, अरे रहता ना बोलते ना वो तालाब गंदा है अंदर खींच लेगा, अरे बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है ना, बोलते ना वो तालाब में जाना नहीं बहुत खराब तालाब है, तो ऐसा अक्सर माना जाता है, मैथोलॉजिकली माना जाता है कि तालाब के अंदर क्या होता है, भूत होता है, भूत कहाँ की तरफ भागा, तालाब के। और आप जानते हैं इस तरह के तालाब पर पानी जब रहता है उसके ऊपर पत्तियाँ रहती है, क्या रहती है बच्चों, पत्तियाँ, लीफ रहती ना, ध्यान सुनना, एल के, एल के, दलित को मत बोलना रे,
एल के एल ए के ई एल ए एन लेंथेनियम, ध्यान से सुनना, याद कराने का तरीका देखना। कौन भागा? भूत। किसकी तरफ? लंबे लंबे पांव लेके भागा। अरे भागेगा तो तेजी भागेगा ना, धीरे थोड़ी भागेगा। एल ए एल ए एन एल ए के ई लेग की तरफ भागा, लेंथेनियम लंबे पांव लेके भागा। तो तीनों से एल ए एल ए एल ए याद रखना, एल ए एल ए एल ए। और आप जानते हैं एल ए का सिंबल क्या होता है? लेंथेनाइट। क्या होता है? लेंथेनाइट। होता कि नहीं होता लेंथेनाइट? लेंथेनाइट पक्का। वैसे एक सीरीज और होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिनाइट। कौन सी सीरीज होती है? एक्टिनाइट। एक होती है लेंथेनाइट सीरीज और एक होती है एक्टिनाइट। एक होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक होता है एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल के अंदर 58। भाई जब वो लेग की तरफ भागा, लेग के ऊपर क्या क्या स्प्रेडेड था? लीफ। होता ही है पानी के अंदर पत्तियां रखी रहती है। पत्ती के अंदर देखना ध्यान से, भूत आया बाहर से, उसकी पत्नी थी अंदर। भूतनी, अरे भूत नहीं, भूतनी समझते ना, चुड़ैल। चुड़ैल बोल रहा है डायरेक्ट, एडवांस वर्जन बता रहा है। भूतनी का एडवांस वर्जन चुड़ैल, बराबर है। वो जैसे भागा, भागने के बाद पानी पे पैर रखा, पानी पर जैसे पैर रख रहा था, उसके पहले क्या थी? पत्ती। उसके अंदर कौन थी? भूतनी, बराबर है। भूतनी मतलब सी 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 ई से याद रखना, सी सी से याद रखना, सी ई सी से याद रखना, सीरियम। क्या याद रखना? सीरियम, बराबर। अंदर गई लेके उसे खींच के, अरे होता है कि नहीं, पापा घर से बाहर आ रहे हो, मान लो मम्मी आ जाती दरवाजा खोलती, चलो अंदर। क्यों ऐसा क्यों हुआ, अंदर क्यों ले गई? भाई भाग के आ रहा था, उसके उस पर स्किन पे लाइट का एक्सपोजर आया था, लाइट का एक्सपोजर आया था, स्किन डैमेज हो गई थी, ऐसा समझ के चलो। डैमेज हुई, उसको कहाँ पे ले गई वो? उनका हॉस्पिटल लैब है। उनका हॉस्पिटल कौन सा है? लैब। लैब के अंदर ले गई, और लैब के अंदर क्या किया? प्रैक्टिकल किया, उससे उसकी क्या हो गई? मौत हो गई। प्रैक्टिकल मतलब ट्रीटमेंट को मैं प्रैक्टिकल और ध्यान से सुन रहे बच्चों, मैं लैब को क्या कह रहा हूं? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल को क्या कह रहा हूं? लैब, बराबर समझना। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट को मैं क्या कह रहा हूं? प्रैक्टिकल। क्या देखने का तरीका? नया मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, नए नए वर्ड्स यूज हो रहे हैं। लैब में गई मतलब क्या गई? हॉस्पिटल में। ट्रीटमेंट किया इसका मतलब क्या किया? प्रैक्टिकल। उससे उसका क्या हो गया? डेथ। डेथ हो गया प्रेसोडाइमियम। प्रैक्टिकल से डाइमियम, डेट इज डाई। कौन मर गया? भूत। किसके अंदर मरा? लैब के अंदर। और उस भूतनी का नाम था जस्सी। भूतनी का नाम क्या था? जस्सी। या आप कह सकते हो ये जो लैग था, जो भी आप बोलते हैं, वो जीएस ग्राउंड के अंदर था, ऐसा भी कह सकते हैं। आप पर अवेलेबल था जीएस ग्राउंड, जान दो। रिवाइज करते हैं हम लोग छोटा सा। लोटा, लोटे के अंदर अंटी ने क्या डाला? मनी, बराबर है। अंटी का पालतू शेर, शेर की क्या? टेल। टेल दैट इज व्हाट? टेल्यूरियम। टेल दैट इज व्हाट? बाकी बात एल 53 मतलब एल 3 53 मतलब एल 3 एल एंड क्या आएगा? एल एम लाइन। भाई जैसे वो कोई मटके के पास पहुंचता था तो आसमान से, और लाइन पर रेड कलर में क्या लिखा रहता था? 54 लारा, अंधेरा कायम रहे, दैट इज ज़ीनॉन। भाई लारा आया तो उसका फोटो लेने के लिए कौन आया? सबसे पहले आके पूछा, कैसे हो भैया, कैसे हो सीजियम? 56 क्या बोला था? तुम्हारा फोटो कहाँ डालेंगे? बड़ा फोटो, छोटा फोटो? बैरियम। भागा कौन? भूत। किसकी तरफ? पक्की बात। देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, तीन तरह के एले बताए थे मैंने, एले एले और एले। एले मतलब क्या था? लंबे पांव लेके भागा। किसकी तरह भागा? और ये आ गया लेंथेनाइट। क्या आ गया?
लीफ, वाटर पे लीफ अवेलेबल थी, लीफ के अंदर से कितने किसने हाथ पकड़ा, सी, सी मतलब सीरियम, कहाँ पर ले गई, लैंड, लेफ्ट में क्या किया, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल से प्रेसो डाइमी, प्रेसो डाइमी, यहाँ तक क्लियर सभी को। बेसिकली यहाँ पे सेवन के लिए मैं बहुत बता चुका हूँ आपको, सेवन के लिए सी नहीं होता है, सेवन के लिए क्या होता है के, और हालांकि सी ए टी कैट होता है, लेकिन हम यहाँ के ए टी कैट बोलेंगे, और कैट का मतलब बिल्ली समझेंगे। हालांकि मैं कैट का मतलब निकालता तो मैं कैट का मतलब एक और निकालता, कैटरीना, डू यू नो कैटरीना, कौन नहीं जानता, बोले सल्लू कैटरीना बड़ा क्लोज कंसर्न है सर, कैटरीना, कैटरीना कैफ को कह दिया आई लव यू, किसने, अरे किसने, आप जानते हैं, SALLU, एल यू, ल्यूटिशियम, लुट गया वो उस पर, बर्बाद हो गया, किस पर, कैटरीना, उसका कोई संबंध नहीं बिल्ली से, हाँ मैं कैटरीना का फोटो दूसरा डालता था, मैं रियलिटी में कैटरीना का डालता था, कैटरीना। नाउ जैसे ही कैटरीना को वो स्टेटमेंट कहा सल्लू ने, वो भागने लगी, बहुत तेज भागी। अरे तुम समझो ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग है। भागने लगी, भाग के गई, भागने के बाद आदमी को ऐसा होता है ना, सांस आती है, हाँफने लगता है, वो ऐसे बोलते हैं हाँफनी हम। उसके भाई के पास गई, वो उसके भाई के पास गई, उसके भाई के कंधे के पास में, ऐसा होता है ना अक्सर, आप घबरा जाते हो तो घर में पापा के कंधे के पास में, भैया के कंधे के पास में, भैया इस तरह का फीलिंग आता है। अरे यस सुनो, उसके कान के पास में जाके उसकी सांस आ रही थी, सांस आ रही थी, उसके भैया को एक फीलिंग आ रही थी, कह रहे बाप रे बाप क्या हो गया इसको। किसके पास गई कैटरीना, उसके ब्रदर के पास, बराबर है। उसका ब्रदर क्या खा रहा था, कीमा, 73, 7 के लिए के, 3 के लिए एम, ब्रदर क्या खा रहा था, कीमा, और कहाँ खा रहा था, टेंट के अंदर बैठकर, शादी का टेंट लगता ना टेंट, आर्मी मैन था उसका ब्रदर, कौन था, आर्मी मैन तो रहते हैं आपको पता ही है, कहाँ लगा के, टेंट के अंदर, टेंट के अंदर, अरे क्या आलम है, टेंट आलम है। टेंट के अंदर का आलम, आलम सोचते ना, क्या समय है, क्या फीलिंग है, क्या कर रहा था, कीमा, किसके अंदर बैठ के, टेंट, क्या आलम है, टेंट आलम। देखिए ये वापस से सी, सेवन के प्लेस पे के आना चाहिए था, यहां पर ये थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, के। देखिए उसका ब्रदर जो टेंट के अंदर बैठ के क्या खा रहा था, कीमा, उसकी गाड़ी थी, गाड़ी समझना ध्यान से, कार, कार के ऊपर क्या लिखा था, WWW, वापस से एक बार मुस्कुराहट चेहरे पे, WWW, देखो ध्यान से, हाँ हालांकि टंगस्टन का सिंबल जानते हैं, पर टंगस्टन का सिंबल क्या होता है, W होता है, क्या होता है, www.problemsolution.com, ये उसकी कार पे लिखा हुआ था। वो केवल उसी का नहीं, लाइफ में बहुत सारी गर्ल्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला पर्सन था, धर्मात्मा भाई, किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। उसकी कार किसकी बनी हुई थी, टंगस्टन की, कार पे क्या लिखा हुआ था, www.problemsolution, W मतलब क्या होता है, टंगस्टन, क्या होता है, याद रखना, सॉल्यूशन निकलवाने किसके पास गई, ब्रदर, ब्रदर का, ब्रदर की क्या थी, कार, कार के ऊपर क्या लिखा हुआ था, www.problemsolution.com, बराबर है। क्या खा रहा था वो, कीमा, कीमा कहाँ बैठ के खा रहा था, टेंट, ब्रदर के पास जब गई थी, हाफ रही थी, हाफ रही थी मतलब हाफ नहीं, अब कैटरीना को किसने क्या कहा, बराबर है, लुट गया, बर्बाद हो गया, एलयू, याद आ गया सभी को यहाँ तक। अब देखो क्या हुआ, 75, हालांकि 75 आने को होना था, 75 यहाँ पर अवेलेबल नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। देखिए 74 कार में लिखा था problemsolution.com, 75 बोला 7 के लिए क्या यूज होता है, के, 5 के लिए एल, और ये हो गया कालिया, कालिया जो उसका भाई था ना, उसका एक दोस्त था जिसका नाम क्या था, कालिया, क्या नाम था, कालिया, 75 कालिया, 75 कालिया। तो कालिया आप समझ सकते हैं, कालिया नाम क्यों रखा गया, स्किन हैविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ कलर लाइक वेस्ट इंडियन,
अरे सुनो, कालिया कालिया समझ लो क्या, समझ रहे हो? हाँ, 75 पे एटॉमिक नंबर जो आता है वो हम डिस्कस करेंगे इसी के साथ में, थोड़ा आगे बढ़ के 76 देखो ध्यान से, केजे केजे मतलब क्या काजू, केजे मतलब क्या, 77 थोड़ा समझ लेते हैं, केके केके मतलब क्या, काका काका, 78 केएफ, 78 केएफ कॉफी, हालांकि कॉफी की स्पेलिंग सही नहीं है, 78 के बाद 79 केपी, कृष्ण प्रसाद भी लिख सकते हैं, कृष्ण प्रसाद या फिर केपी मतलब कैप भी लिख सकते हैं। वापस देखिए एफएस, एफएस मतलब क्या होता है, फ्यूज, एफएस 8 के लिए एफ, 0 के लिए एस, एफएस मतलब क्या हो गया बच्चों, फ्यूज। रिवाइज कर लेते हैं, 71 कितना है, केएटी कैट, 72 केएन, केएन मतलब क्या, कान, 73 केडब्ल्यूएमए कीमा, 74 केएआर कार, 75 के ए 75 कालिया क्या होता है, 75 कालिया, और कालिया यू कैन अंडरस्टैंड मैंने बोला बाय कलर वाइज सही में काला था, वो रिन सुप्रीम यूज कर रहा था, आपके कपड़ों को धोने के लिए काम आता है रिन सुप्रीम, वो सोच रहा था शायद मैं बोल रहा हूं जो रिन सुप्रीम, रिन सुप्रीम दैट इज रिहीनियम, क्या बोलते हैं रिहीनियम, रिन 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 सुप्रीम रिहीनियम, रिन सुप्रीम तो 75 पे आता है रिहीनियम, क्या आता है रिहीनियम। 76 नालिया तैयार हो गया, काजू खा रहा है, काजू खा रहा है राजू, दैट मींस और क्या बोलता, क्या ऑसम काजू बाबा, ऑसम दैट इज ऑस्मियम, काजू कैसे है ऑसम ऑस्मियम। अब काजू खाने के बाद में, नहाने के बाद में, कालिया तैयार होने के बाद में किसके पास गया, काका आमू काका बाबा ना पोरिया, अरे सुना है गाना क्या, हैव यू हर्ड दिस सॉन्ग, यस नो, काका के पास गया, काका को बोलता है काका चलना है, भाई ने बुलाया है, कौन से भाई ने, जो क्या खा रहा था कीमा, कहां पर खा रहा था टेंट के अंदर, क्या आलम था टेंट आलम था, ये भाई की गाड़ी पे क्या लिखा था www.problemsolution, ये बोला किसने, कालिया ने, कालिया किससे नारा था रिन सुप्रीम, रिन सुप्रीम रिहीनियम, क्या खा रहा था काजू, काजू कैसा था ऑसम, किसके पास गया काका, काका को बोला, बुलाया किसने भाई ने, किस लिए बुलाया प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम क्या थी प्रॉब्लम, कैटरीना किसके पास गई थी सल्लू, सल्लू के नहीं रे भाई के पास गई थी, बराबर है, तो किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी भाई को, कैटरीना की, कैटरीना की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो किसके पास गया था कालिया, कालिया ने क्या किया रिन सुप्रीम, रिन सुप्रीम के बाद क्या काजू, काजू के बाद क्या काका, काका मतलब टीम, डेफिनेटली मारने पिटने के लिए क्या लगती है, अरे झगड़ा करने के लिए क्या लगती है टीम, काका की क्या थी टीम, और आप समझ भी रहे होंगे काका कहाँ का था जंगल का, आमू काका बवाना पोरिया, अरे सुनो समझ मारी की बात, अरे तुमको पता है ये गाना कहाँ का है, ये आदिवासी इलाकों का गाना है, कहाँ का है आदिवासी इलाकों का, और आदिवासी कहाँ रहते जंगल में, गया कहाँ पर जंगल के अंदर, काका लोग कहाँ थे सुना नहीं क्या कभी तुम लोगों ने, गाना नहीं सुना है, आज जाके सुनना गाना जाके चेक करना जाके, क्लियर है सभी को, यहाँ तक सभी को क्लियर है, काका देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है इरिडियम, काका इरिट हो गया कि तू रोज रोज आता है, रोज रोज आता है इरिट हो गया, इरिडियम इरिटियम इरिडियम इरिट हो गया, इरिटेशन समझते हैं आप लोग, काका क्या हो गया इरिट हो गया, काका क्या पी रहा था कॉफी, कॉफी कौन से कप में पी रहा था प्लेटिनम के कप, काका की गाड़ी कौन सी थी प्लेटिना, प्लेटिना की गाड़ी पे बैठा था प्लेटिनम के कप में कॉफी पी रहा था काका, काका क्या हो गया इरिट हो गया, किससे इरिट हो गया कालिया से, क्योंकि रोज रोज आके बोलता था काका आपकी जरूरत पड़ी चलो यार, काका ने क्या लगाई हुई थी कैप, कैप किसकी थी गोल्ड, देखो अमीर अमीर काका खतरनाक, और रहने वाला काका आदिवासी जंगल है, देखो कितना इमेजिनेशन जबरदस्त है, प्लेटिना पे बैठा हुआ है प्लेटिनम के कप में चाय लेके कॉफी लेके बैठा हुआ है, सिल्वर सिल्वर या गोल्ड, गोल्ड की क्या लगी हुई है कैप, कैप बनाई गोल्ड की, और वहां पर ध्यान से सुनना ना, एफ एस, एफ एस फ्यूज, फ्यूज एच जी मर क्यू रही,
जैसे ही काका बैठ के चाय पी रहा था, बराबर है, लाइट लाइट चली गई, क्या उड़ गया, फ्यूज। तो सबसे पहले काका ने स्टेटमेंट पास किया, अरे मर्क्यूरी तू, मर्क्यूरी कौन, मर्क्यूरी क्या उड़ा, फ्यूज। किसको बोला, उसकी पत्नी को, क्योंकि अक्सर उसकी आदत थी वो लाइट बंद कर देती जब भी जाना डर गया, अरे इसका कोई संबंध नहीं वास्तविकता से, इसका केवल याद करने से संबंध है। 71 71 वापस रिवाइज करते हैं। 71 बच्चों ध्यान से देखना, कैट कैटरीना को क्या बोला था, एलयू, लुट गया, बर्बाद हो गया, ल्यूटिशियम, बराबर है, भागी, किसके पास गई, भाई के पास में, भागते भागते हाँफने लगी, हाँफने लगी कान के पास, भैया हाफनियम, हाफनियम 72 भैया क्या खा रहा था, कीमा, कहाँ बैठ के खा रहा था, टेंट के अंदर, टेंट आलम, क्या आलम है, टेंट आलम, कार के ऊपर क्या लिखा था, www.problemsolution.com, W मतलब क्या होता है, कंस्टेंट, W मतलब क्या होता है, कंस्टेंट, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ, आगे समझिए। 75 उसका दोस्त कौन था, कालिया, कौन सा साबुन से नहा रहा था, रिन सुप्रीम, बराबर है, रिहिनियम, क्या खाया, काजू, क्या बोला, ऑसम, ऑसम ऑस्मियम, किसके पास गया, काका, काका क्या हो गया, इरिट, इरिट हो गया, इरिडियम, काका क्या पी रहा था, कॉफी, कौन से कप में, प्लेटिनम, काका ने जो कैप लगाई थी गोल्ड की थी, काका जैसे ही मुलाकात किया उससे, घर में लाइट चली गई, लाइट चली गई किसके कारण, फ्यूज, काका ने क्या बोला, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी दैट इज, मैंने बताया था आपको जीरो के लिए क्या यूज करते हैं, अच्छी बात है, नाइन के लिए क्या यूज करते हैं, बी बी यू बी बी, मैंने बी यूज कर दिया, यहाँ बी और एस, बी और एस क्या लगा दिया, बॉस, बी टी बैट, बी एन बिन, तेरे बिन लादेन, बी एम डब्ल्यू, हालांकि बी एम डब्ल्यू भी यूज कर सकते हैं हम लोग, बी एम 93 बी एम, बी एम डब्ल्यू, बी 94 नाइन के लिए क्या यूज करते हैं बोलो, बी 4 के लिए आर, नाइन के लिए क्या यूज करते हैं, बी 4 के लिए आर, बी ए आर, बार, समझ सकते हैं आप, बार देखो पिक्चर में दिख रहा है, बी एल बचपन से पढ़ाए तो, बी जी ये भी बचपन से पढ़ा हुआ है, बैंड, बी के बाइक, बी एफ बताने की कोई जरूरत नहीं है, और पिक्चर भी बहुत अच्छा लिया उसने, फीलिंग पॉजिटिव समथिंग, बीबी बाबा, व्हाट द पॉइंट, बाबा आइंस्टाइन, बाबा आइंस्टाइन आइंस्टीनियम, बाबा आइंस्टाइन आइंस्टीनियम, समझते हैं, बाबा आइंस्टीन से भी बाबा भी थे, क्यों बाबा थे, ये बाल बड़े बड़े कोई मतलब नहीं है, जितने भी बेचारे साइंटिस्ट होते हैं सब उनकी पत्नी छोड़ के भाग जाती है उनको, मैक्सिमम केस में, मजाक कर रहा हूँ रे, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं इसका, बाबा आइंस्टीन, बॉयफ्रेंड कहाँ पे रहता है, कैलिफोर्निया, ये से बॉयफ्रेंड नहीं बोलूँगा मैं, बेस्ट फ्रेंड बोलूँगा मैं, गिव अ एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग बैड इन द लाइफ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड, सही बात है। 66 दिन, 66 डेज लगते हैं किसी भी हैबिट को क्रिएट होने में, अगर आप 66 डे इन्वॉल्व हो चुके हो तो रिटर्न बैक होने में वापस से कम 120 डेज लगने वाले हैं, अरे इमोशन से बाहर निकलने के लिए, बैड एक्टिविटी, बैड फ्रेंड, बैड फ्रेंड कहाँ रहता है, कैलिफोर्निया, बाइक, बाइक बैड फ्रेंड, बाइक आप बाइक चला रहे थे, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ऐसा कुछ बोलते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, ऐसा बोलते हैं ना, भोंकते कुत्ते काटते नहीं है, काटने वाले भोंकते नहीं। तो आप बाइक चला रहे थे, बाइक पर बर्क, बार्किंग, बार्किंग डॉग्स ने अटैक कर दिया, बाइक चलाते हो सकता होता भी नहीं, कुत्ते आते हैं आप देखते हैं फोर व्हीलर चल रही होती है, बहुत स्पीड से दौड़ते हैं ऐसे जैसे मार देंगे, पर मैं सोच रहा होता हूँ फोर व्हीलर का दरवाजा बंद होता है दौड़ते क्यों है, अरे होता है ना ऐसा लॉजिकली देखा जाए, बार्किंग डॉग नॉक्स, आप क्या चला रहे थे तब आए थे, बाइक, जब आप बाइक चला रहे थे तब आए, आप बाइक को लेके बहुत तेजी से आगे निकल गए। देखिए कई बार ऐसा होता है कि पुलिस आपको रोकती है, आपका बैग चेक करती है, कहाँ पर करती है, जब आप किसी मॉल में जाते हैं, वो क्यूरी निकालती है, क्यूरी मतलब गलती,
निकालते हैं ना कुछ क्या है अंदर, क्यूरियम। बैट के अंदर क्या है? क्यूरियम। बॉल। अमेरिका में लोग क्रिकेट खेलते हैं क्या? अमेरिकन अमेरिका की टीम है क्या? ऐसा समझना, अमेरिका में क्या खेलते हैं? कौन सी बॉल? फुटबॉल दिख रहा है लेकिन खेलते कौन सी? बास्केटबॉल। अमेरिशियम क्या बोलेंगे? अमेरिशियम। बार। बार के अंदर अक्सर क्या होता है? देखो ध्यान से, मैंने एक प्लॉट खरीदा और उस प्लॉट पे क्या कंस्ट्रक्ट किया? बार। मैंने क्या खरीदा? प्लॉट। प्लॉट पे क्या कंस्ट्रक्ट किया? बार। बड़ा इंटरेस्टिंग है, एमजे कॉलेज के बाजू में बार। अब हो जाइए तैयार, खुल गया है आपके कॉलोनी में बार। प्लॉट पे क्या बनाया? बार। देखो याद रखिएगा, प्लूटोनियम। और प्लॉट उसका बार का नाम भी मैंने रखा प्लूटोनियम बार। क्या नाम रखा? प्लूटोनियम बार, याद रखना। BMW भाई, आपने कभी एक कंपनी का नाम सुना होगा? मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ किसी का, बस याद कराने का तरीका ऐसा। मैं सूची का, मैं किसी का प्रमोशन के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, किसी का भी नहीं। आपने naptol.com देखा है? naptol, नाप तोल कर BMW खरीदना, नेपच्यूनियन। नाप तोल कर BMW खरीदना। नाप तोल कर मतलब महंगी आती ना भैया, सस्ती के BMW तुम गिफ्ट करोगे मुझे? हाँ बोले सर, प्लास्टिक की। BMW नाप तोल कर खरीदना। कहाँ से खरीदना? naptol.com से खरीदना। BMW 93। बिन कचरे के डब्बे के अंदर यूरेनियम को डाल के चला गया, लादें बिन, लादें बिन मतलब डस्टबिन भी होता है ना, डस्टबिन। ये देखो कचरे के डब्बे के अंदर क्या डाला? यूरेनियम बॉम्ब। अक्सर ऐसा ही होता है, बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले कहाँ डाले जाते हैं? ऐसी जगह पर जहाँ पर किसी का ध्यान नहीं जाता। 91 बैट। देखिए जब आपको कोई मारता है, मान लीजिए आपके पास में सपोज पत्थर मार रहा है कोई, आपके पास में बैट है, तो क्या आप बैट से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? प्रोटेक्टेनियम। प्रोटेक्टेनियम बॉस बहुत काम लेता है, जैसे मैं हूँ मान लो, सब लोगों से लेता हूँ। मेरा भी कोई बॉस था जो मुझसे काम लेता था, थोड़ी भी रहम नहीं करता है, थोड़ी भी रहम नहीं करता है, थोड़ी भी रहम नहीं करता है। थोरियम, थोड़ी रहम, थोड़ी रहम, थोरियम। कौन नहीं करता है? बॉस। कौन नहीं करता है? बॉस। वापस रिकॉल करते हैं, बॉस क्या नहीं करता है? थोड़ी भी रहम। बैट से आप क्या करते हो? प्रोटेक्ट। बिन, बिन मतलब क्या हुआ? डस्टबिन के अंदर क्या डाला? यूरेनियम बॉम्ब। BMW कहाँ से खरीदो? naptol.com। बार के किस कहाँ पर बनाया? प्लॉट लेके बनाया। कहाँ पर बनाया? बार का नाम क्या रखा? प्लूटोनियम बार। बॉल, बॉल के अमेरिकन लोग क्या कहते हैं? बैग के अंदर क्या निकाली? क्यूरी, क्यूरियम। बाइक, बाइक, बाइक के पीछे अटैक किसने किया? मार्टिन डॉक्स ने। बर्केलियम, बॉयफ्रेंड कहाँ रहता है? बेस्ट फ्रेंड कहाँ रहता है? कैलिफोर्निया। बाबा कौन है? आइंस्टाइन। एट के लिए आप यूज करते हैं एफ, वन के लिए क्या यूज करते हैं बताइए मुझे? टी या डी। टू के लिए एन, थ्री के लिए एम, फोर के लिए आर, फाइव के लिए एल, सिक्स के लिए जी या जे, सेवन के, एट एफ, नाइन ये क्या है? क्यू, पी, बी, और जीरो के लिए एस। यहाँ तक सभी को क्लियर है? लेट अस डिस्कस 81। पहले हम लेटेस्ट याद करेंगे। एफ टी, एफ ए टी, फैट। आप देख भी सकते हैं थैलियम, ये बड़े थैले जैसे एकदम फैट। अरे ये सुनो, थैला रहता ना फैलावा, थैला एकदम फैला, फैला कौन? फैटी। अरे ये सुनो, फैट, एफ टी। एफ एन, फैन, फैन फना, ये भी हो सकता है। मूवी देखी आप लोगों ने? चांद सिफारिश करता तुम्हारी तो देता तू तुमको बता, फना मूवी, सुभान अल्लाह है ना। तो देखिए ध्यान से, इसका सिंबल क्या होता है? पब के अंदर मुझे लीड मिली, लेट नहीं बोलते इसे, इसे अक्सर टारगेट दिया जाता है ना, टारगेट जैसे बिजनेस का टारगेट होता है, 10 लीड दी उसे, 15 लीड दी, 15 लीड्स दी, 16 लीड्स दी। आदमी की जब अपनी लीड्स पूरी कर लेता है, लीड्स मतलब टारगेट अचीवमेंट कर लेता है, तो वो कहाँ चला जाता है? पब के अंदर। अरे पब समझते ना, अभी अभी अपन ने बनाया था पब, क्या बनाया था? बार। बार का एक और नाम क्या है? पब। अक्सर लोग सेलिब्रेट करने के लिए वही जाते हैं, नालायक लोग। अरे याद आ रहा क्या? बराबर एफ एन, बार के अंदर क्या लगा हुआ है? फैन। फैन के नीचे बैठे हुए
और आप क्या कर रहे होंगे मैं नहीं बता सकता, यू कैन अंडरस्टैंड। ये आप ऐसा भी बोल सकते हो, FM सुनना ध्यान से हो, बिस्मत। कई बार आपने ऐसा स्टेटमेंट सुना होगा, रेडियो मिर्ची 98.4 FM पर अपनी किस्मत को आजमाइए और ये बटन दबाइए। किस्मत, बिस्मत, बिस्मत और किस्मत का बड़ा कनेक्शन है। किस्मत को आजमाइए, बिस्मत को अपनाइए। कहां पर जाइए? FM पर जाइए। FM पर आजमाइए क्या? किस्मत, किस्मत मतलब बिस्मत। FR फायर, पोलो खाते हैं? पोलो ऐसी ठंडी ठंडी लगती, आग लगी पोलो खाओ, आग लगी पोलो खाओ, पोलो खाओ पोलोनियम। अरे सुनो, आग लगी क्या खाओ? पोलो। आप जानते ना आग मतलब क्या? एसिडिटी। अरे फीलिंग आता ना सर अंदर से, कुछ भी ऐसा लग रहा है अलग तरह से। कई लोग ठंडक के लिए पोलो, फाइल भाई, फाइल FL फाइल, FL फाइल बराबर। किसकी फाइल? महाराष्ट्र स्टेट की फाइल। आप जानते हैं गवर्नमेंट काम जितने भी होते हैं उसमें ऐसा थोड़ी यूज होता है ना, एक बार फाइल गई तो टाइम बहुत लगता है। फाइल मतलब कोई भी मैटर, फाइल स्टेट की फाइल, महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्टेट की फाइल जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गई तो उन्होंने बहुत लंबा टाइम लिया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फाइल एंस्टेट टाइम, अ स्टेट ये देखो क्या लिखा हुआ, एंस्टेट टाइम, फाइल स्टेट FG, हालांकि FJ आना चाहिए था यहां पर, फौजी। फौजी लोग हमेशा रेडी, या कह लो हमेशा ऑन, रेड ऑन, रेड ऑन। फौजी लोग हमेशा रेडी रहते हैं, हमेशा ऑन रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, किसी भी सिचुएशन आने जी हमेशा तैयार रहते हैं। रेड ऑन, रेड ऑन, रेडी ऑन, रेडी ऑन, रेडी ऑन, रेड ऑन। FK फ्रांस में जितने भी लोग होते सब किससे खाते समझ जाओ, फ्रांस के अंदर क्या यूज करते हैं? फॉर्म, फ्रेंसियम, क्या होगा? फ्रेंसियम। फीफा, फूफा, फूफा, फीफा, फीफा वर्ल्ड कप में रेडियम का यूज किया गया था। बोले किस लिए? इल्यूमिनेशन पर्पस के लिए। रेडियम की एक अच्छी क्वालिटी होती है, क्या क्वालिटी होती है? घड़ी के अंदर आप देखिए रेडियम लगा होता है तो रात के समय में चमकता है। फीफा वर्ल्ड कप में क्या यूज किया गया था? रेडियम, इल्यूमिनेशन पर्पस के लिए। होता ना लाइटिंग बहुत अच्छी इफेक्ट किए जाते हैं, इंडिया में भी एक गेम हुआ था कॉमनवेल्थ गेम, तब भी देखा था आपने, लाइटिंग का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। FB मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सारे किस पे एक्टिव रहते हैं? किस पे रहते हैं एक्टिव? FB। सारे स्टूडेंट्स के FB चेक करता हूँ, सब लोग किस पे एक्टिव मिलते हैं मुझे? फेसबुक पे क्या मिलते हैं? एक्टिव, एक्टिव दैट इज एक्टिनियम, एक्टिव दैट इज एक्टिनियम। वापस रिपीट करते हैं हम लोग, फैक्ट, फैक्ट, थैले जैसे, थैलियम। देखो स्ट्रक्चर भी देखो उसका, उधर 52, 82, फैन, फैन कहां पर लगा हुआ था? पब के अंदर, पब के अंदर कब जाते हैं? लीड्स विल यूज सेलिब्रेशन पर्पस के लिए। 53 FM, FM पे क्या आजमाइए? किस्मत, किस्मत मतलब बिस्मत। फायर लगी क्या खाइए? पोलो। फाइल किसकी? स्टेट गवर्नमेंट की। कहां पर? सेंट्रल गवर्नमेंट, एंसर टाइम। फौजी हमेशा क्या रहते हैं? रेडी एंड ऑन, रेडी ऑन, रेड ऑन। फॉर कहां? फ्रांस के लोग क्या यूज करते हैं? फीफा वर्ल्ड कप में क्या यूज किया गया था? रेडियम। फेसबुक के लिए क्या यूज होता है? मेरे सारे स्टूडेंट्स क्या है फेसबुक पे? एक्टिव। देखिए अब हम डिस्कस करते हैं 61 से लेकर 70 तक के टर्म सारे टेबल्स। देखिए 6 के लिए मैं आपको वापस एक बार रिकॉल करवाता हूं भाई, 0 के लिए क्या यूज करते हैं बताओ तो? S। 1 के लिए T और D। 2 के लिए N, 2 के लिए N। 3, 4 के लिए R, 5 के लिए L, 6, G या J, 7, K, 8, F, 9, Q, B, यहाँ तक यूज़ करते हैं हम लोग। Let us understand much. 61, मैंने बोला था G या J, J, T, Z, Z समझ सकते हैं आप लोग? बहुत हंगामा चल रहा है अभी, किस बात पे लेकर था? राफेल पे। इसी टाइप के 62 GN गन, GUN गन बंदूक। 63 JM, ये तो सबसे ज्यादा फेमस पूरे इंडिया में।
आज भी ये लोग बच्चे अपनी क्लास के बच्चे भी इसे यूज करते हैं। जार देखो 64 जे आर, जे आर, जे आर मतलब क्या, जार। 65 जे एल तरबियम, तेरे बिन, तेरे बिन मैं कैसे जिया, जेल का तरबियम। जीजा जीजा बताऊंगा क्या आएगा। जेके कौन नहीं जानता भी, मानना पड़ेगा लेकिन टाइगर श्रॉफ को विदाउट एनी रेफरेंस अपने दम पे आइडेंटिटी क्रिएट करने वाला टाइगर श्रॉफ, ये जानते ना आप। अभी एक मूवी आई थी कौन सी, बागी टू, ग्रेट इम्पैक्ट, भूल नहीं सकते हम। जब उसे नहीं भूल सकते तो इसे कैसे भूल सकते हैं। गुड फ्रेंड जी एम, गुड फ्रेंड, गंदा फ्रेंड नहीं रहे, गुड फ्रेंड, गली फ्रेंड। जे डबल ई पी जीप, और आप देख सकते हैं यहाँ के एस काइट्स, के एस काइट्स, बराबर है। तो एक बार रिकॉल करते हैं फटाफट फटाफट। 61 जे सिक्स जे वन टी जेट जेट, ठीक है। 62 जी यू एन गन। 63 बोलिए, 6 के लिए क्या यूज करते हैं, जे एम, क्या बोलेंगे इसे, हाँ तो भी प्रोनाउंसिएशन आपका, टीचिंग मेरी। जे ए आर जार, जे ए आर जार। 65 जेल, 66 जीजा, 67 जैकी, 68 गुड फ्रेंड, 69 जीप, 70 के एस काइट्स। ध्यान से देखिएगा, हम बात करते हैं जेट। देखिए हमारे प्रधानमंत्री महोदय, आप जानते हैं नरेंद्र सिंह मोदी, हिंदुस्तान के सबसे चर्चित प्रधानमंत्री आज तक के इतिहास में, बच्चा बच्चा नाम जानता है। तो वो प्रमोशन के लिए जेट एयरवेज को यूज़ कर रहे हैं, ऐसा मान के चलिए प्रमोशन पर्पज़ के लिए। कारण क्या है, इसकी स्पीड फास्ट होती है कम होती है, फास्ट। प्रमोशन के लिए क्या यूज़ किया, जेट। किसने यूज़ किया, पीएम ने। किसने यूज़ किया, प्रोमोशन, प्रोमेथियम, देखो प्रोमेथियम, प्रमोशन प्रोमोथियम, प्रमोशन प्रोमोथियम। पर आप जानते भी हैं अभी चुनाव आने वाले, प्रमोशन करना ही पड़ेगा, जेट यूज करना पड़ेगा, इसीलिए राफेल। 62 गन। देखिए आपको पता है महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी, गोड़ से जी, बराबर मान लीजिए सकती। सपोज किसी एक, किसी और अदर पर्सन की किसी ने गन लेके क्या कर दी, हत्या कर दी, डेथ कर दी, उसको मार दिया, मारा। उस पर्सन का नाम था समर, क्या नाम था, समर, क्या नाम था, समर। समर ने क्या की, हत्या, क्या लेके की, गन, समेरियम। समर ने क्या की, हत्या, क्या लेके, गन। यूरोप में सारे स्टूडेंट्स मॉर्निंग में क्या यूज करते हैं, कहां पर, यूरोप में। अमेरिका में सारे लोग क्या खेलते हैं, बराबर है ना। इंडियन लोग क्या करते हैं, रो, बराबर है, याद रखना। जार, जार के अंदर गेंदे के फूल, गेंदे के फूल जानते हैं आप, अरे गेंदे का फूल, ससुराल गेंदा फूल, सांस गाली देवे, देवर जी समझा लेवे, ससुराल वही वाला, बराबर है। गेंदा फूल सुना ना आपने, जार के अंदर किसके क्या रख दिया, गेंदे के फूल, गेंदे के फूल गैडोलिनियम, याद रखना, गेंदे के फूल गैडोलिनियम। जेल, जेल के अंदर मैंने बताया था आपको, एक इंसान मर्डर के अंदर पहुंच गया, अब वो गाना गाता है, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, ठीक है। तरबियम, तेरे बिन तरबियम, हालांकि बिन, बिन याद करो, बिन क्या था, बिन 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 यूरेनियम। जीजा जी जो जेल में बंद हुआ उसके कौन, जीजा जी, जीजा जी की आगे सुन रहे दोस्तों, देखो डाय एस पी प्रोसियम, देखिए देखो ध्यान से, डाय से याद रखना, डाय एसपी मतलब मेरा नाम सतीश पुरोहित, ठीक है। रोजी, अरे मैं नहीं मरा रे, समझ ध्यान से, मैं नहीं मरा, कुछ और हो रहा है, क्या हो रहा है, ध्यान से सुन लो रे दोस्तों। जीजा जी किसके, जीजा जी जो जेल में बंद था उनकी क्या हो गई, मृत्यु,
वो किससे आके मिले? मुझसे। मेरा नाम क्या है? सतीश पुरोहित। किसके बारे में? रोजी के बारे में। रोजी कौन थी? कोने मिले जाके जिरकोनिया। याद है क्या? किसके जीजाजी जो जेल में बंद था वो क्या हो गए? खत्म हो गए। किससे आके मिले? मुझसे आके। मेरा नाम क्या है? सतीश पुरोहित, एसपी। बराबर है। किसके सिलसिले में मिले? रोजी के सिलसिले में। क्योंकि रोजी कौन थी जो जेल में बंद था? उसकी वाइफ। बराबर है, याद रखना। तुमको थोड़ा सा अटपटा लगेगा लेकिन याद रह जाएगा। डाई मर गया, जीजा जीजा डी वाई एस पी, रोजी रोजी मतलब, हालांकि याद दिलाता हूँ आपको थोड़ा सा देर में। जेके जेके जेके, देखो ध्यान से, आज की तारीख में आप जानते हो हॉलमार्क वर्ड यूज होता है। हॉलमार्क मतलब क्या होता है? सोने पे होता है ना। जेके शराब के हॉलमार्क बना बना के सोने पे जेके शराब के सिक्के लगा के दिए जा रहे हैं। फेमस पर्सनैलिटी, कोई संबंध नहीं है इसका रियलिटी से, याद करने के लिए यूज करना है। हॉलमार्क, हॉलमार्क किसका? जेके शराब। गुड फ्रेंड, गुड फ्रेंड कौन है? गुड फ्रेंड ईआर, ईआर मतलब इंजीनियर। गुड फ्रेंड कौन है? इंजीनियर। अरे होता है ना, कभी कोई ब्यूटिशियन हो सकती है, कोई कोई हो सकती है, कोई डॉक्टर हो सकती है। मेरे दोस्त की जो गुड फ्रेंड थी वो कौन थी? इंजीनियर, इरबियम, याद रखना। अरेबी, अरेबी इंजीनियर थी वो। कौन सी? अरेबी इंजीनियर, इरबियम अरेबी इंजीनियर। बराबर। 69 जीप में ले गया भगा के उसको, थुल्ली खिला रहा जीप में बैठा के। थुल्ली समझते आप? अरे खाने के लिए यूज होती है, रवे जैसी होती है, रवे जैसी गेहूं की बनी होती है, थुली थुली होती ना। खिचड़ा सुना है? खिचड़ा, हाँ उसी टाइप का होता है, थुली टाइप का होता है ना। थुली खिला रहा है जीप में। कौन खिला रहा है? मेरा दोस्त। किसको खिला रहा है? गुड फ्रेंड को। कहाँ की है? इंजीनियर। कहाँ की इंजीनियर? अरबियन इंजीनियर। जीप में उसको इंडियन डिश खिला रहा है, थुली काइट्स। और इंडियन कल्चर सिखा रहा है, पतंग उड़ाना सिखा रहा है, पतंग उड़ाना सिखा रहा है। और देखो यहाँ पर पतंग उड़ाना सिखा रहा है, इसको क्या पढ़ेंगे बताओ? पढ़ के बताओ इसको अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं? इटरबियम। और इत्र लगा रहा है, इतरा रहा है, इत्र लगा रहा है, इतरा रहा है और इत्र लगा रहा है। चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं वापस से पूरा के पूरा। जेट भाई कौन प्रमोशन कर रहा है? पीएम। किसको यूज करके? जेट। किसने हत्या की? समर, समेरियम। जैम कहां पर यूज करते हैं? यूरोप। जार के अंदर कौन से फूल? गेंदे के फूल। जेल के अंदर कौन सा गाना? तेरे बिन, तरबियम। जीजा जी अलग ही एकदम। डाय एसपी रोजी, बराबर डायस्पोरिजियम। जेके हॉलमार्क। गुड फ्रेंड इंजीनियर फ्रॉम अरब, अरब अरब कंट्री। 69 जीप थुलियम, जीप के अंदर इंडियन डिश। 70 काइट्स, काइट्स इत्र, इत्रियम।